बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। देवस जॉनसन अलमारूफ डी रॉक अपने कज़न और WWE के मौजूदा मेगा स्टार रोमन रेंस से मुकाबले के लिए तैयार हैं। दर हकीकत डी रॉक एक दहाई बाद पहली बार WWE के रिंग में रोमन रेंस का मुकाबला करेंगे। डी रॉक ने 2013 में आखिरी बार जॉन सीना का मुकाबला किया था, जिसके बाद वो फिल्मों में ज़्यादा मसरूफ रहे हैं, मगर अब वो रोमन रेंस से रेसलमेनिया 40 में मुकाबले के लिए तैयार हैं और ये मौका इन्हें रॉयल रंबल मुकाबले के फातह कोडी रोड्स ने फराहम किया है। गौर है कि रॉयल रंबल मुकाबले जीतने वाले रेसल WWE के सबसे बड़े सालाना यूनिट रेसलमेनिया में किसी टाइटल मैच का हिस्सा बनते हैं। इस साल मर्दों का रॉयल रंबल मुकाबले कोडी रोड्स के नाम रहा, जो मुसलसल दूसरे साल ये मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। गुज़श्ता साल कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल के मुकाबले को जीतकर WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से मुकाबले का इंतखाब किया था, मगर रेसलमेनिया 39 में इन्हें शिकस्त का सामना हुआ। इस बार भी तवक्का की जा रही थी कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस से मुकाबले को तरजीह देंगे, मगर 2 फरवरी को WWE के शिवा स्मैकडाउन में उन्होंने अपनी जगह डी रॉक को आगे कर दिया। इस मौके पर डी रॉक और रोमन ने कोई बात नहीं की, बस एक दूसरे को घूरते रहे। इराक और रोमन रेंस के दरमियान मुकाबला बाज़ाब्ता ऐलान 8 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए जाने का इम्कान है। और लास्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वस्सलाम, शुक्रिया।